आज सुबह से ही मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार मूसलधारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम सड़कों पर गड्ढों में जहां पर है वहां पे पानी भरा हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मूसलधार बारिश होने की वजह से हालात इस कदर आ चुके हैं, लोग सड़कों पर निकल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तूफान की गति बहुत ज़्यादा है। बताया जा रहा है आंकड़ों के अनुसार कि 185 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है मुंबई की सड़कों पर। तो अगर आप घरों से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है 3 घंटे के लिए अभी तत्कालीन प्रभाव से। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा मौसम खराब हो चुका है, ट्रेनें हो चाहे बस हो चाहे ऑटो, तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग घरों से निकल नहीं सकते क्योंकि तूफान की गति बहुत ज़्यादा है। आंधी तूफान के साथ ये ताऊ तूफान आज बताया जा रहा है अंदेशा कि 17 मई की शाम तक गुजरात पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। फिलहाल अभी मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाके प्रभावित हैं, जिनमें से 5 जिलों को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें सबसे पहला नाम मुंबई आता है, फिर पनवेल, थाने, इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। चिपलून के इलाकों में भी, सिंधु दुर्ग में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इन इलाकों में पूरी तरह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, सड़कों पर निकलने पर पाबंदी है। फिलहाल लॉकडाउन तो लगा हुआ है, लेकिन इस लॉकडाउन में और सख्ती आपको बरतनी होगी। आपको बिल्कुल भी घरों से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि जाम हो चुके हैं कई जो नाले गटर हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से सफाई चालू था, लेकिन अभी अचानक बिन मौसम बरसात की वजह से और इस तूफान की वजह से कई जगह सड़कों पर जो है पानी भर चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हम आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अगर आपके यहाँ पर भी कोई फुटेज है या फिर कहीं पानी भरा हुआ है या फिर कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आप वीडियो क्लिप भी हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।